तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। देखिए तो फटाफट हम डिस्कशन कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट है उसकी क्या कहानी है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा दिया था, याद आया कुछ या नहीं आया है ना। तो चलिए, रिफ्लेक्शन जैसा होता था उसी टाइप से आपके सामने यहाँ पे क्या रिफ्रैक्शन है। देखिए, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बात ना सच तभी तक है जब तक वो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, ये जो सच्चाई है वो आधी सच्चाई है, समझ रहे हो। ये जो सच्चाई है वो आधी सच्चाई है, पूरी सच्चाई ये है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन when the medium is same। अगर आप मीडियम को चेंज कर देते हैं तो लाइट जो है वो आपका जो स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करता है। अब ये क्या कहानी है उस चीज़ को प्रूव करने के लिए ऑफ कोर्स हम आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगी, राइट। ठीक है, ओके। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक लेज़र लाइट है थोड़ी हाई इंटेंसिटी की, और इसको देखेगा, ये देखिए आपको इसके पाथ विजिबल हो रहे होंगे, देखिए कितना मस्त आपको पाथ दिख रहा होगा। और ये जो पाथ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना, इधर उधर मुड़ नहीं रही है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये हवा में है तभी तक इसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन में फॉलो नहीं करता स्ट्रेट लाइन को। अब कैसे फॉलो करता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। मेरे हाथ में एक ग्लास स्लैब है, क्या है ये, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो बाहर तो हवा है और अंदर क्या है, एक अलग मीडियम है, ठीक है, दो अलग अलग मीडियम है। यहाँ पे हवा है और इसके पार्टिकल्स बोले तो काफ़ी क्लोज है, लेकिन हवा के पार्टिकल्स क्या आपके सामने बहुत ज़्यादा दूर दूर है। तो चलो यार, मीडियम चेंज करने हैं, बाहर हवा है अंदर ग्लास है, पार्टिकल्स पास पास है और ग्लास के अंदर और बाहर आपके पास दूर दूर है, तो इसी को कहते हैं मीडियम, है ना। मीडियम अलग अलग होते हैं, ठीक है। मीडियम आप कह सकते हो उसको बोलते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी आप इतना देख लीजिए कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करती। कैसे, देख लीजिएगा, मैं ऐसे करके मार रहा हूँ पाथ को, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, इस वाले पाथ को ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से, देख लीजिए अच्छे से। मैं इस तरह से एंगल में मार रहा हूँ, जाना चाहिए बिल्कुल सीधा, लेकिन थोड़ा सा इस साइड, थोड़ा सा जिधर से मैं मार रहा हूँ उसी साइड झुक रहा है। आप लाइट को देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं इस तरह से टेढ़ा कर रहा हूँ, एकदम पूरा का पूरा टेढ़ा कर दिया लगभग, देख लीजिए मैं अपने लेज़र लाइट को, जबकि उसको बिल्कुल सीधा चला जाना चाहिए था, लेकिन ये इसी की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गया है, तो ये सीधा ट्रैवल नहीं कर रहा, ये पार नहीं जा रहा उधर, राइट, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में तभी तक ट्रैवल करता है जब वो सिर्फ और सिर्फ हवा में हो, इस तरह से सिर्फ हवा में, मतलब यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं कर रहा हूँ इसीलिए स्ट्रेट पाथ में, अदरवाइज स्ट्रेट पाथ में नहीं रहता है, राइट, ओके। तो वापस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो इफ़ मीडियम इज सेम देन द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अदरवाइज नॉट, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं किस तरह से। आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले तो कि मीडियम होते हैं, यस, मीडियम जो होते हैं ना दो तरह के होते हैं। ये मीडियम होता है सिंगुलर फॉर्म, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर फॉर्म होता है, और इसी का मीडिया होता है प्लूरल फॉर्म। जब एक से ज़्यादा मीडियम की हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो आपको एक तो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म पता होना चाहिए कि इसका मीडियम और मीडिया, ये दोनों क्या चीज़ होते हैं उसके बारे में। अब देख लेते हैं मीडियम जो होता है हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है ना। मीडियम एक ऐसा कुछ बोल सकते हैं जहाँ से लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे हवा में ट्रैवल करवाया, तो एयर क्या है, मीडियम है, ठीक है, इतनी बात डन है। अच्छा, ग्लास के थ्रू ट्रैवल करवाया, तो ग्लास क्या है, एक मीडियम है। तो मीडियम आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और दूसरा होता है आपके सामने ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ये ऑप्टिकली मैं क्यों लगा रहा हूँ, रेयरर और डेंसर ही सिर्फ क्यों नहीं बता रहा हूँ, उस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। ऑप्टिकली का मतलब होता है हम बात कर रहे हैं लाइट की, ऑप्टिकली का मतलब क्या होता है, लाइट। तो जब भी हम लाइट के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो उसको हम ऑप्टिकली रेयरर या फिर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के नाम से जानते हैं, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, डन है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पे।
और आगे की बात में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास ऑप्टिकली रेयर जो मीडियम होते हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मोर होती है, ठीक है ना, मोर होती है, ज़्यादा होती है। और इसमें आपके पास स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो लेस होगी इसके मुकाबले, ही डेंसर वाले में कम होंगे, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफ़ी दूर 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 होते हैं, लेकिन इसके जो पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे ना, इस तरह से क्लोज होते हैं, इस तरह से होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से लाइट को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, कुछ इस तरह की कहानी होती है। वैसे तो आपको पता है कि ट्रैवल होने के लिए लाइट को किसी भी मीडियम, मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो मीडियम हो या ना हो वो ट्रैवल कर जाती है, लेकिन जब मीडियम आ जाती है ना डेंसर वाली, तो उसकी लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, ऐसा होता है। तो ये रेयर मीडियम हो गया और ये डेंसर मीडियम हो गए, तो हवा क्या हो गया, रेयर मीडियम, पानी क्या हो गया आपके पास, वाटर, डेंसर मीडियम। वहीं अगर ग्लास ले आए तो वाटर से भी क्या है, वो डेंसर है। तो इस तरह से हम ऑप्टिकली डेंसर और रेयर मीडियम को पहचानते हैं। यहाँ पे हम अभी इसका डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनका कंसेप्ट आपको क्या करना है, क्लियर करके रखना है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डन है, रेयर मीडियम क्लियर है, डेंसर मीडियम क्लियर है। आप लोगों को तीन चीज़ और क्लियर होंगे, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल, क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा रखा था, राइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये भी क्लियर होंगे। सेम यहाँ पे हम कहानी यूज़ करने वाले हैं, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए। अब मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन की बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है, इट इज़ ए फेनोमेना इन विच लाइट बैंड्स when it travels from one medium to another medium, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when medium changes, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात वही है, मेन चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन को आप इंग्लिश के लैंग्वेज आगे पीछे करके बनाकर लिख ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे होता कैसे कैसे हैं उस चीज़ की कहानी की बात करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे हम देखते हैं, दो तरह के मीडियम लेते हैं, इधर मैंने ले लिया एयर मीडियम और इधर ले लिया मैंने वाटर मीडियम, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम इंटरफेस, क्या बोलते हैं हम इसको, इंटरफेस। इंटरफेस का काम होता है दो मीडियम को सेपरेट करने का, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑब्लिकली, ये एक कंडीशन होती है कि आपका बेंडिंग ऑफ लाइट तभी होगा जब आप ऑब्लिकली फॉल करवाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा नहीं होता, ऑब्लिकली फॉल करवाना है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, जैसे कि ऑब्लिकली का मतलब होता है किसी एंगल पे फॉर्म करवाना है, ठीक है, फॉल करवाना है किसी एंगल पे। जैसे ये इंटरफेस है, इधर अलग मीडियम, ये क्या आपके सामने रेयर मीडियम है, नो डाउट, और ये क्या आपके सामने डेंसर मीडियम है। मीडियम का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक रे को लाता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये ना, अब यहाँ के बाद क्या करेगा, मीडियम को चेंज करने वाला है, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, जिस पॉइंट पे फॉल कर रहा होता है रे ऑफ लाइट, वहाँ पे हम हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे कहा जाता है नॉर्मल। इस वाले लाइन को क्या कहा जाता है, नॉर्मल, और इस वाले को क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है इसको, इंसिडेंट रे, गॉट इट। चलिए, तो इंसिडेंट रे समझ में आ गए आपके सामने, नॉर्मल समझ में आ गया। अब ये क्या कर रहा है, मीडियम को चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मीडियम को चेंज कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा, बेंड होगा। अब बेंड किधर होगा, ध्यान रखना है, जब वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जाता है, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ के बाद आपके पास ये ना, इसको जाना चाहिए था सीधा, बट ये एक्चुअल में सीधा नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा इस तरह से, है ना। मैं एक डॉटेड लाइन दिखाता हूँ, इसको जाना चाहिए था इस तरह से, सीधा जाना चाहिए था, बट एक्चुअल में इस पाथ को फॉलो ना करके इस वाले पाथ को फॉलो किया जाता है। समझ में आ गई इतनी बात। और इसी वाले को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे,
इसी वाले को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। आई होप यहाँ तक की जो बात है वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगे, राइट। अच्छा, आगे की बात कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे दो तरह के एंगल भी देखने को मिलता है, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल कौन सा एंगल है आपको पता होना चाहिए। इस वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई के नाम से जानते थे। और ये वाला एंगल क्या आपके सामने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं बोल देना, ध्यान रखना, ठीक है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। और ये वाला जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ, इस वाले को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, गॉट इट। चलिए, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो हम बात को क्या करें, आगे बढ़ाएं। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली लाइन को हम हटा देते हैं, इस वाली लाइन को क्या करूँ मैं, हटा देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ इनके बारे में पढ़ना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, ना 100% रिफ्लेक्शन होता है, ना ही 100% रिफ्रैक्शन होता है। जैसा कि हम सोचते हैं कि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में चला गया, अच्छी बात है, चला जाता है, लेकिन 100% लाइट ट्रांसफ़र होकर दूसरे मीडियम में चला जाता है ये भी कहना गलत है। कुछ पोर्शन जो होते हैं वो पार्शली रिफ्लेक्ट भी होते हैं और रेस्ट आपके पास रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम कैसा है, ट्रांसपेरेंट है या फिर नहीं है। तो आप चाहें तो इधर से एक रे इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से कि रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो एंगल आई और ये वाला एंगल आर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अभी क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन, तो हम इस वाले लाइन को बनाएंगे ही नहीं, समझ में आई नहीं थी मैं, तो इसीलिए मैंने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। इसमें आप एक पर्टिकुलर लाइन लिखेंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन, कॉमा लगा के लिख दीजिएगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब किधर बैंड होगा वो डिपेंड करता है कई चीज़ों पे, इस बात को आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक कहानी, ये तो हो गया आपके सामने एक कहानी। इधर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, वो दिया हाँ या नहीं बता रखा है ना, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, इधर ज़्यादा होगी और नीचे में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट कम और ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है इसलिए ज़्यादा होगी, ये डेंसर मीडियम इसलिए इसकी लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। अच्छा, हवा की बात करें या वैक्यूम की बात करें, उसमें स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज़ और बात कर लेते हैं, ये तो हमने रेयरर टू डेंसर वाले मीडियम की बात करी है, अब क्या करते हैं हम डेंसर टू रेयरर में आपको ले आता हूँ मैं, ठीक है। तो फटाफट हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस बना देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से फटाफट, उसके बाद अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, ऑब्लिकली फॉल करवाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, है ना। ऑब्लिकली फॉल करवा दिया मैंने और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल बना देता हूँ, राइट। अच्छा, नॉर्मल बनाने के बाद यहाँ पर क्या करूँगा, ऊपर कर दूँगा मैं डेंसर मीडियम और नीचे कर दूंगा मैं रेयरर मीडियम, ऊपर कर दूंगा मैं डेंसर मीडियम और नीचे कर दूंगा मैं रेयरर मीडियम, समझ में आ गई इतनी बात, डन है। तो ऊपर मैं वाटर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नीचे मैं एयर ले लेता हूँ, उल्टा कर दिया मैंने ऊपर वाले के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं वो देखिएगा, ये नो डाउट इंसिडेंट रे है, आपको नेमिंग आनी चाहिए हर किसी की, ठीक है ना, इंसिडेंट रे। ऑब्लिकली मतलब नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल बनाना है, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल आई देखिए नॉर्मल के साथ बना रहा है और इंसिडेंट रे उसके साथ, दूसरा ये वाला नॉर्मल के साथ बना रहा है रिफ्रैक्टेड रे के साथ, हमेशा नॉर्मल के साथ आपको एंगल को कंसिडरेशन में लेना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए भी। चलिए भाई आगे की बात कर लेते हैं, अब की बार क्या होता है, ये जो रे है वो नॉर्मल की तरफ नहीं, टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होता है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, है ना, इसको जाना चाहिए था सीधा, बट ये सीधा नहीं जाता, ये इस तरह से चला जाता है, इसको आना चाहिए था ऐसे, सीधा आना चाहिए था, बट ये अब की बार ये क्या कर रहा है, सीधा नहीं आ रहा है, किधर जा रहा है, दूर जा रहा है, समझ में आ गई इतनी बात, डन है। चलिए
तो ये आई हो गया और ये वाला आर हो गया। अच्छा, फर्स्ट वाले केस को अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस वाले केस में ये आई ना बड़ा है और आर ना क्या छोटा है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये ऐसे जाता तो ये पूरा आई और ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल होता, लेकिन आप देखो तो ऊपर वाला आई और आर क्या है, रिलेशन पता चल रहा है ना, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। बट अगर आप सेकंड वाले केस की बात करते हैं, डेंसर टू रेयरर, तो एंगल आई अब की बार आपको दिखेगा, एंगल आई ना अब की बार छोटा है, किससे? एंगल आर से। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये ज़्यादा उधर बेंड हो चुका है, तो ये डेंसर टू रेयरर का केस है। इतनी बात समझ में आ गई है? डन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आ गए ना, आपके पास फिर से लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बता दिया और ये वाला आपके सामने नॉर्मल है, नो डाउट। फिर से आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, when ray of light travels from denser to rarer medium, it bends away from normal, ठीक है। देखिए, चाहे रेरर से डेंसर जाए या फिर डेंसर से रेरर मीडियम में आए रे ऑफ लाइट, वो उसका बेंड होना कन्फर्म है, लेकिन बेंड किधर होगा वो डिपेंड करेगा कि आप रेरर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं या फिर आप डेंसर से रेरर की तरफ आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? इतनी डन है। चलिए, तो इतनी कहानी समझने के बाद हमारी माइंड में एक और सवाल आता है, सर आप हर बार क्या कर रहे हो, इंसिडेंट रे को ऐसे फॉर, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे है, नो डाउट ये वाली है ना, रिफ्रैक्टेड रे, ऊपर भी बताया था अभी मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, सर आप एंगल पे फॉल करवा रहे हो इसको, एंगल आई कुछ ना कुछ एंगल है, तब क्या होगा जब मैं इसको परपेंडिकुलरली फॉल करवा दूंगा, जैसे कि आपके सामने क्या है, ये वाला रे है, ये वाला इंटरफेस है सॉरी, और मैंने ऐसे करके रे को ना सीधा ऐसे ले आया इस तरह से, तो ये कुछ नहीं होगा, परपेंडिकुलरली सीधा ये पास हो जाएगा जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। जब आप 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली नीचे भेज देंगे, मीडियम चेंज करेंगे, तब भी इसके पाथ ना डेविएट नहीं होंगे। इस चीज़ को देखने के लिए हम फिर से आप लोगों को इसके हेल्प से, लेज़र लाइट के हेल्प से दिखा देता हूँ। ओके, तो अगेन मेरे पास एक ग्लास स्लैब है और ये मेरे पास लेज़र लाइट है, देखिएगा मैं इसको जब किसी एंगल पे फॉल करवाता हूँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है। अगर यहाँ से इस वाले पॉइंट से जहाँ पे मैं मार रहा हूँ वहाँ पे अगर नॉर्मल लाइन होता तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है ना, सीधा जिधर मैं मार रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको क्या होगा जब मैं स्ट्रेट मारूंगा, इस चीज़ को नोटिस कीजिए, इसमें आपको किसी भी तरह की डेविएशन देखने को नहीं मिलेगी, ये देख लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट मैंने मारा है तो स्ट्रेट ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि रे ऑफ लाइट को अगर मैं स्ट्रेट लेकर जाता हूँ, स्ट्रेट मारता हूँ, किसी भी एंगल पे फॉल नहीं करवाता हूँ, मतलब परपेंडिकुलरली भेजता हूँ, तब वो क्या करता है, सीधा ही चला जाता है, किसी भी तरह का जो डेविएशन है वो शो नहीं करता है, ठीक है। तो अब हम इस रिफ्रैक्शन की बात को थोड़ी सी और आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस तरह से हमने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझाया था, ठीक उसी तरह आपके सामने यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखने को मिलता है आपको। तो आओ यार फटाफट देख लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या कहना है। अगेन आपके लिए जिस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने आपको दो पॉइंट लिखवाए थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपको लोगों के लिए दो पॉइंट देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो पहला वाला पॉइंट है वो आपका सेम रहता है, जिसमें जिस तरह से उसमें था द इंसिडेंट रे, याद कीजिए द इंसिडेंट रे, उसके बाद दूसरा कौन था, रिफ्रैक्टेड रे एंड जो थर्ड वाला होता था वो होता था नॉर्मल, है ना। ऑल द थ्री lie in the same plane, बस यही सेम चीज़। इसमें फ़र्क क्या है, रिफ्लेक्शन वाले में जो टॉपिक में हमने आपको करवाया हुआ था उसमें क्या फ़र्क है, उसमें रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है और बाकी सब कुछ सेम है। तो फर्स्ट लॉ तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि एक ही प्लेन में लाई करता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये इंसिडेंट रे हो या फिर रिफ्रैक्टेड रे हो या फिर नॉर्मल हो, तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन में, इतना ही एक प्लेन है तो उसी में लाई कर रहा है, ठीक है। एक ही पॉइंट पर आप थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये तो कहानी होगी फर्स्ट वाले की। अब सेकंड वाले में आप लोगों ने वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आप लोगों को पढ़ाया था एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर,
बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे होता है हमेशा साइन ऑफ एंगल आई और डिवाइडेड बाय में साइन ऑफ एंगल आर। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो फिर भी समझ लीजिए वहाँ पे आप पढ़ेंगे एक साइन नाम के एक फंक्शन से फंक्शन को, जो यहाँ पे आई और आर जो होता है वो एंगल होता है, यहाँ पे कुछ भी लिखा जाता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अभी इतना समझ लीजिए, जब आप साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालेंगे, मतलब साइन आई और साइन आर क्या है, आई आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अगर आप इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं तो आपको हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है आपको? हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, हमेशा आपको एक फिक्स वैल्यू मिलती है, कभी भी वो जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अच्छा अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने अब इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं और भी अच्छे तरीके से, वो यहाँ पे कुछ इस तरह से है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास आपको दिख रहा है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 30 डिग्री पे फॉल करवाया एक एग्जांपल के लिए, तो इधर कितने से निकल गया 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, मतलब आई 30 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। अगर मैं इस आई को चेंज कर देता हूँ लाइट से 45 पे या फिर 60 पे चेंज कर सकता हूँ तो ये और भी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो पहले वाला जो था आई और आर जितना आया था उसको वैल्यू पुट करूंगा वो, और बाद में दोबारा से जो चेंज करके आई की वैल्यू चेंज करके और आर की वैल्यू जो आया उसको पुट करूंगा आई और आर के जगह, और जब मैं उसको सॉल्व करता हूं, मैथमेटिक्स में आपको सॉल्व करना सिखा चुका हूं मैं आप लोगों को, राइट, आपने ट्रिग्नोमेट्री किया है तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बट अभी यहाँ पे हमें उसको डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब सॉल्व करेंगे दोनों वैल्यू को तो 100% दोनों सेम आएंगे, तीनों चारों। आप एंगल आई को चेंज करते जाइए, आर जो भी आता जाता है उसको पुट करते जाइए आई और आर की वैल्यू, और जो भी आप सॉल्व करके लाएंगे वो आपको हमेशा एक कॉन्स्टेंट वैल्यू के इक्वल मिलने वाला है। और आपको एक चीज़ जानकर हैरानी होगी कि हैरानी तो खैर क्या है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम दो तरीके से देते हैं, एक तो म्यू होता है, इसको क्या बोलते हैं, म्यू, यू बना लीजिएगा ऐसे पूछ निकाल दीजिएगा, या फिर आप इसको स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, तो दोनों ही आपको मैक्सिमम बुक में देखने को मिलता है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर लें और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात आती है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या चक्कर है, उसको एक बार समझा दीजिए, तो ऑफकोर्स इसको समझाना ही पड़ेगा और इसके बेस्ट पे क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन भी बनता है, तो अगली वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम आप लोगों के लिए लाएंगे जिसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला वीडियो। ठीक है, तो अगली वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा विथ न्यूमेरिकल, तो इसके बारे में भी आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल अभी तक मैंने आप लोगों को जितना समझाया है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। लास्ट में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, नोट डालकर लिखना है इस चीज़ को, तो कि व्हेन मीडियम चेंजेस स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस बट frequency of light remains constant या फिर constant कुछ भी लिख लीजिए, एक ही बात है। ये एक बहुत ज़्यादा important point है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, या मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको इग्नोर करते हैं। देखिए हमने आपको समझाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने बताया था ऑब्लिक लिए अगर कोई फॉल करता है इस तरह से और ऐसे आता है और ये आपके सामने ऑफकोर्स नॉर्मल है, ये एंगल आई है और ये क्या आपके सामने एंगल आ रहा है, यहाँ पे आपके सामने जो वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ लाइट, जो वेवलेंथ होती है लैम्डा वो, और तीसरे आपके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से नहीं तो एफ से, वो सब कुछ सेम रहता है, किसी भी तरह के चेंज नहीं आते हैं, रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं आते हैं। रीज़न इसका सिंपल था क्योंकि उसका मीडियम चेंज नहीं हुआ है, गया है और बाउंस बैक हो गया है सेम मीडियम में, जब मीडियम ही चेंज नहीं हुआ है तो स्पीड ऑफ लाइट कैसे चेंज होगा, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा सोच विचार कीजिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। अब बात आती है कि जब स्पीड ये मीडियम चेंज कर रहे हैं तो किस में चेंज आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, बाकी सब सेम ही रह रहे हैं, वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर ये वेवलेंथ की क्या कहानी है ना, और ये जो दूसरा वाला है आपके सामने फ्रीक्वेंसी उसकी क्या कहानी। तो देखिए लाइट जो ट्रेवल करती है एक वेव के फॉर्म में कुछ इस तरीके से जाती है,
ठीक है ना। वेवलेंथ होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, क्रेस्ट बोलते थे इस वाले पॉइंट को, क्या बोलते थे हम, क्रेस्ट के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले पॉइंट को हम कहते थे ट्रफ के नाम से जानते थे, और यहाँ वाले फिर से आगे आपके सामने क्रेस्ट। तो दो कॉन्जिकेटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता था उसको हम वेव लेंथ के नाम से जानते हैं। एक वेव की लेंथ है, या फिर आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बोल सकते हैं। एक वेव लेंथ मतलब आधा ऊपर आधा नीचे, टोटल वेव बन गया, कंप्लीट वेव बन गया, तो इसको भी आप एक वेव लेंथ से बुला सकते हैं। दूसरी होती थी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेव की जो भी लाइट हो गया, वेलोसिटी हो गया, टाइम पीरियड आपको पता है, फ्रीक्वेंसी को समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, उस पॉइंट से एक सेकंड में हाउ मेनी वेव्स आर पासिंग, हाउ मेनी वेव्स आर पासिंग, आर पासिंग, आर पासिंग बाय ए पर्टिकुलर पॉइंट, बाय अ पर्टिकुलर, बाय अ फिक्स्ड पॉइंट, और यू कैन से बाय अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। इस तरीके से आप लोगों को समझना है कि फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितने वेव पास हो रहे हैं, है ना। इन वन सेकंड ध्यान रखना, इन वन सेकंड, एक ही सेकंड की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं इस तरीके से। इसकी फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट होती है वो होती है आपके सामने हर्ट्ज, HERTZ, या फिर आप इसको सेकंड इनवर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वन अपॉन में टाइम पीरियड, वन अपॉन में टाइम पीरियड, टाइम का सेकंड हो तो ऊपर जाएगा, सेकंड का इनवर्स हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, मतलब देखिए स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुआ ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया नोट में, स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम, अच्छा हाँ चेंजेस, अब ठीक है, ठीक है। देखिए स्पीड ऑफ लाइट क्या हुआ, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट तो नो डाउट चेंज होता ही होता है, चलिए अच्छी बात है। जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है तो जो वेव्स पहले एक सेकंड में ज़्यादा पास हो रहे थे, अब क्या होगा,